हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्लैब में जो हमारा स्टील जो दिया जाता है वो कितने टाइप के दिया जाता है, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो सो प्लीज़ आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके लिए अच्छे से वीडियो हम टाइम टू टाइम लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर सबसे पहले मेन बार जहाँ शॉर्टर स्पान रहता है वहाँ पर हम लोग मेन बार डालते हैं और लॉन्गर स्पान का हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। ठीक है, यह दो रॉड देने के बाद हम लोग चारों तरफ क्रैंक करेंगे एल बाई फोर पर। देख सकते हैं एल बाई फोर पर क्रैंक करेंगे तो जो इस तरफ से जो हमारा क्रैंक होकर जाएगा उस तरफ नहीं होगा। देख सकते हैं इस तरफ क्रैंक नहीं हुआ है और जो इस तरफ से क्रैंक होकर गया है उस तरफ क्रैंक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारा जितना यहाँ हमारा जा रहा है यहाँ पर स्टील वो उधर क्रैंक नहीं हुआ। उसी तरह हमारा हर जगह जैसे कि देखिए यहाँ दिखाते हैं आपको, यह हमारा क्रैंक होकर जा रहा है और ये वाला इधर से होकर जा रहा है क्रैंक, मतलब एक छोर करके एक क्रैंक होगा और दूसरी तरफ क्रैंक नहीं होगा। बस यही है, दो ही यहाँ पर लोहा है मेन, एक मेन बार और एक डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसी को क्रैंक किया जाएगा चारों तरफ एल बाई फोर पर। ठीक है दोस्तों, अब हमारे बात आती है यहाँ पर जहाँ हमारा ये एल बाई फोर पर हमारा जो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है एल बाई फोर पर यहाँ इस जो क्रैंक हो गया उसको स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं लंबा सा स्टील। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बस ये दो मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिए और यहाँ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन जो क्रैंक हो ऊपर गया उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं। और हमारा जो यहाँ पर क्रैंक दिया हुआ है देखिए, जो एक क्रैंक छोड़कर दूसरे क्रैंक स्पेसिंग यहाँ देख सकते हैं रेड देख सकते हैं यहाँ पर रेड वाला ये हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार है, वो एक्स्ट्रा बार काम करता है जो हमारा एक क्रैंक होकर गया उस तरफ क्रैंक नहीं हुआ, जो उधर से क्रैंक होकर इधर आया इस तरफ क्रैंक नहीं हुआ, तो दोनों के स्पेस यहाँ पर डबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं, इसे देख सकते हैं दो लोहे को बीच में एक रेड कलर के जैसे मार्क किए हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं इस ड्राइंग में देख सकते हैं, ये हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। यहाँ पर हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार यहाँ पर हम लोग देंगे। ठीक, और जो लंबा लंबा से देख सकते हैं ये एल बाई फोर पर जो दिया हुआ है ये हमारा टॉप एक्स डिस्ट्रीब्यूशन बार है, यहाँ हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार काम करता है जो क्रैंक होकर आया है उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ पर, ये देख सकते हैं यह हमारा क्रैंक हो गया है, इधर क्रैंक हो गया है, बीच में तो हमारा स्पेसिंग बढ़ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हम बताते हैं आप टॉप एक्स्ट्रा बार के बारे में, देखिए दिखाते अच्छे से यहाँ पर देखिए ये हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार है, यहाँ पर क्रैंक इधर आप क्रैंक दोनों का स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं, दोनों का दूरी हो जाता है यहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, डबल स्पेसिंग हो जाता है, इसलिए हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं। बस यहाँ पर चार ही रड को यहाँ पर सब खेला है, एक मेन बार एक डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया और हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार और टॉप एक्स्ट्रा बार, ये चार स्टील को यहाँ पर हम लोग को यूज़ किया जा रहा है हमारे जितने स्लैब है अच्छे से सब देख सकते हैं। हमारा यहाँ पर टू वे स्लैब है टोटल, तो यहाँ पर एल बाई फोर पर टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार और एक्स्ट्रा बार दो ही रॉड को हम लोग क्रैंक के ऊपर हम लोग एल बाई फोर पर देंगे। एक हमारा क्रैंक को स्टॉप करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार दिए और एक हमारा जो एक क्रैंक छोड़कर एक क्रैंक हुआ यहाँ पर स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार दिए यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टू वे स्लैब है, यहाँ पर देखते यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर स्टील को यहाँ पर कास्टिंग हो चुका। अब हम दिखाते हैं हमारा जो स्टील जो कटेगा वो किस तरह से कटेगा, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बीम पर हमारा जितना लोहा आएगा सब रेस्ट करेगा लेकिन क्लियर कवर को हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा कवर भी तो है इस तरफ जो हमारा कास्टिंग वाला लोहा न दिखे, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लियर कवर को हम लोग छोड़कर हम लोग स्टील कटिंग करके यहाँ पर पूरा चारों तरफ लगाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अपना जितना भी हमारा स्टील बंधा हुआ टू वे स्लैब के आप एक बार देख लीजिए, आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, यहाँ पर अच्छे से दिखा रहे हैं। तो आज के हम वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए हम अच्छे से वीडियो लाते रहें और आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे और दोस्तों में शेयर करते रहें।
और आप अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहें। धन्यवाद।